नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आए मुक्ताई नगर, जो कि भुसावल से नियर अबाउट 30 किलोमीटर, सर? यस सर, हाँ 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये प्लॉट हम देखने आए हैं, आज ये प्लॉट का हम लोग वास्तु करवाएंगे। जब भी आप नया प्लॉट लेते हो और वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो वहाँ पर बहुत अभी अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है, तो लोग वास्तु करवाते हैं। बराबर, वास्तु से ही प्लान करवाना, दैट इज़ बेटर। अब वास्तु से प्लान तो बन जाता है बहुत बार, लेकिन होता ऐसा है कि जब हम वास्तु से प्लान बनाते हैं तो इसके जो हिडन एनर्जीज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे कि हम इस प्लॉट पे आए हैं, इसका आप अगर बाजू का काम देखोगे तो इसके बैक साइड में, वेस्ट साइड में एक स्कूल आया है। बराबर है, तो ये अच्छा बिल्डिंग है। इसका नॉर्थ साइड ये है, ये नॉर्थ साइड है, और इन्होंने सबसे बेस्ट अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में इन्होंने ये बोरिंग किया हुआ है। अभी इसकी यहाँ पर हम लोग एनर्जी देखेंगे कि इस प्लॉट की एनर्जी कितना बेटर है। ठीक है, जब इसका एनर्जी हम लोग चेक करते हैं तो स्कैनर हमें ये फुल्ली 100% ये बताएगा, फुल्ली, तो दैट इज़ गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, इसके अंदर हम जो माइनस IR के बारे में बात करते हैं, माइनस IR एक हिडन एनर्जीज होती है, जो कि हम इसको जैसे डक करेंगे उसके बाद में ये जमीन के नीचे की एनर्जी को मालूम पड़ता है, अगर कुछ गलत इसके अंदर कुछ है तो। बराबर, तो इसके बारे में हमने IR को इसको पूछा तो IR यहाँ पर न्यूट्रल है। दूसरा, एक PY होता है, PY की चीज़ ऐसी होती है कि बहुत बार जमीन के अंदर अभी कई सालों से ये जमीन ओपन पड़ी रहती है। बराबर है, तो बहुत साल पहले ये क्या हुआ इधर किसको नहीं मालूम रहता, तो हो सकता है यहाँ पे कहीं जानवर को खड्डा करके गाड़ दिया जाए, ऐसा भी होता है, तो मरे हुए जानवर को, तो इसको चेक करने के लिए PY भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, या कोई गलत एनर्जी को लिए भी हम इसके इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम जैसे PY या अदर एनर्जीज की, तो यह न्यूट्रल आ गया। तो इन द सेंस क्या हो गया, ये प्लॉट की एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि बहुत बार क्या होता है, ये होने के बाद में भी पूरा वास्तु से प्लान बना होता है, सारे जो ग्रुपिंग है वो वास्तु से बना होता है, इसके बाद में हम इसका प्लान बनवाएंगे वास्तु से। लेकिन होता क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये पिछले 5-6 सालों से जो लोगों के समझ में आ रहा है कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जो है वो जमीन के नीचे से जाती है, उसका एक वीडियो का भी लिंक मैं ऊपर शेयर कर दूंगा आपको, तो उससे आपको मालूम पड़ेगा कि जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के ऊपर अगर कहीं पे वो क्रॉस लाइन जा रही है और उसके ऊपर कोई 8 घंटा सोता है, बैठता है, बराबर है, तो वो डिप्रेशन एंजाइटी में जाता है। इसका मतलब क्या है, वो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन उनके बॉडी के ऑरा को कहीं ना कहीं ये कट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, और ऑरा जो होती है वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो जाती है। अभी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, इसका पॉजिटिव ऑरा, इसकी एनर्जी तो अच्छा है, नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रल है। अभी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जब हमने इसको फाइंड आउट किया, तो जो ये अभी ईस्ट और वेस्ट साइड का ये प्लॉट है, तो प्लॉट में हमने वेस्ट साइड में हमने देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये जियोपैथिक स्ट्रेस, आप जैसे कि यहाँ पर मैं खड़ा कर देता हूँ, इसमें जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन, जैसे हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है क्या, ये वैसे ही मूवमेंट करना शुरू कर देता है, और जहाँ पर स्ट्रांग मूवमेंट करता है तो समझ जाओ वहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन बहुत ज़्यादा है। हम जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे ये इसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी और ये पॉइंट पे आके रुक जाएगा, दैट मीन्स इस जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है यहाँ पर स्लो हो जाएगा जैसे आगे जाएंगे, और जहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है वहाँ पर ये इसकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर और एक जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन पॉइंट होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन को हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ठीक है, तो इस साइड में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन 1, 2, 3 इस तरीके से जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है। अभी इसका एक हो गया, अभी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जा रही है पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन ये साइड में जब हमने जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन शुरू कर दिया, अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट एक चीज़ करना, जब भी आप प्लान बनाओ कहीं पर, तो जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन प्लान बनाते समय इसको बाउंड्री पे ले आया करो, यानी जो वॉल बनेगी आपकी वहाँ पर एडजस्ट करना। अभी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन जैसे हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है क्या, तो ये मोमेंट बताता है। जैसे हम आगे जाते हैं ये स्लो होगा और फिर ये फास्ट हो जाएगा, बहुत कम कम डिस्टेंस पे यहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है। ठीक है, अभी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन इस लाइन में
तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पॉइंट्स आर अजीब पर दिस टेस्ट लाइन, और साथ में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अगर 5 है तो ये 5 लाइन जहाँ से जा रही है तो 5 लाइन और यहाँ की जो लाइन्स है तो ये यहाँ पर मल्टी सेक्शन करेगी, वो नोडल पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे और ज़्यादा से इनका ख्याल रखेंगे जब हम प्लान करेंगे ना, कभी भी प्लान करना तो इनको एज अ कॉर्नर में दीजिए, कॉर्नर में ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होता है। और बेड कभी भी बेड हो या किचन हो है ना, या अदर्स थिंग्स जहाँ पर हम सोफा सेट करेंगे या कहीं करेंगे वहाँ पर लाइन नहीं आना चाहिए और वहाँ पर न्यूट्रलाइज होना चाहिए। इसके मैं ऊपर की एक लिंक दे दूंगा आपको, इसका स्पेशली जुपिटर स्टेट लाइन होता क्या है। चलो टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।